आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान के अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज किया, 200 से ज्यादा इवेंट किए। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है, और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, जो समाज पीछे रह गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे मजदूर हो, हमारे श्रमिक साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सबको हमें बराबरी में लाने के लिए, हमारे बराबर लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। लेकिन अब गति पकड़ गई है, अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है, ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा मम भाव बने, हम समाज के हर एक व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के चलना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं, ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके
गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए, आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं।